हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम रघुवीर सिंह है और मैं आपको किया सेल्टोस के कुछ 10 हिडन फीचर्स, जो अमेजिंग हिडन फीचर्स है, उसके बारे में आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले इस स्मार्ट की के बारे में जान लेते हैं। इस स्मार्ट की में कम से कम 3 से 4 ऐसे हिडन फीचर्स हैं जो लगभग किसी को नहीं पता होते जनरली। तो पहला, सबसे पहला फीचर तो ये है कि हमको बहुत बार ऐसे फील होता है कि गाड़ी नाइट में हम कभी बाहर निकालते हैं या अननेसेसरी जब गाड़ी बिना जरूरत के जब साउंड करती है बड़ी बीप, तो ये जैसे अनलॉक करेंगे तो साउंड करती है और जब लॉक करते हैं साउंड, तो ये नाइट में भी बहुत ज़्यादा साउंड करती है। तो ये सिस्टम अगर हमको बंद करना है तो हमको क्या करना है, लॉक और अनलॉक के दोनों बटन को साथ में प्रेस करना है, जिससे क्या होगा कि ये वाला साउंड करने वाला फंक्शंस बंद हो जाएगा। तो शुरू करते हैं ये वाला फंक्शंस फीचर कैसे एक्टिवेट करें। तो सबसे पहले क्या करना है, अगर आपकी कार अनलॉक है तो उसको पहले लॉक कर दो। जब हमको साउंड डीएक्टिवेट करना है तब, तो अगर हम गाड़ी अनलॉक है तो लॉक कर दो। लॉक करने के बाद उसको ये लॉक एंड अनलॉक दोनों साथ में बटन क्लिक करेंगे और ये करीबन 10 सेकंड या मे बी 7-8 सेकंड ऐसे रखना। जैसे ब्लिंक करी गाड़ी लाइट छोड़ दो, ये हो गया फंक्शन एक्टिवेट, ये अनलॉक, ये लॉक। तो अभी ये गाड़ी साउंड नहीं कर रही है। जैसे इसको फिर से साउंड वाला एक्टिवेट करना है तो क्या करना पड़ेगा, गाड़ी को अनलॉक करो, फिर इसके बाद ये वाला सेम दोनों बटन प्रेस करके रखो। ये हो गया और ये एक्टिवेट हो गया। अब ये देखो, ये लॉक, ये अनलॉक। कभी कभी क्या होता है, रिमोट काम नहीं करता है तो की ऐसे की रिमूव करके कार से, इस रिमोट से, और हमें इसको इससे रिमूव करना है खोल के। और जब हम कार के अंदर बैठ जाए तब हमें पता है, जब हमारा रिमोट तो काम कर नहीं रहा है तो हमें क्या कर रहा है, इसके यहाँ पे नियर बाय इसका की सेंसर होता है, जो नॉर्मली जो कीलेस जो की वाली गाड़ियाँ होती है उनके अंदर भी हुआ था। तो हम यहाँ इसको लेके यहाँ पे अगर इसको टच करके अगर प्रेस करेंगे तो गाड़ी ऑन हो जाती है। ये एक इसका अच्छा फंक्शन है। एक्चुअली इसका अगर हम कहें तो इसका फीचर तो नहीं है, बट हम एक हैक है जो हम कर सकते हैं, क्योंकि बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि मेरी गाड़ी में 2-3 किलोमीटर चलाता हूँ मैक्सिमम दिन में और मुझे बार बार सीट बेल्ट डालने की जरूरत पड़ती है। तो सीट बेल्ट में क्या होता है, लोग यहाँ पे कभी कभी यहाँ पे कुछ हुक डाल देते हैं, हुक डाल के इसको फंसा के रखते हैं, तो ये एक सेंसर जो होता है बार बार साउंड नहीं करता है। तो ये ना करके ओवरऑल इसमें एक सिस्टम होता है जो सीट के नीचे एक हल्की सी वायरिंग है। वायरिंग में क्या होता है कि मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ वायरिंग कहाँ है। तो ये वाइट कलर की जो वायर है, ये अगर आप यहाँ से रिमूव कर देते हैं इस तरह से, तो ये साउंड करना बंद हो जाएगा। सेंटर मिरर में क्या होता है, जब भी हम नाइट में ट्रैवल करते हैं तो ये सीधा अपनी आंखों में रिफ्लेक्ट करता है। पीछे वाली लाइट जो बैक में, जो पीछे जो गाड़ियां चलती है, वो जब पीछे आती है तो उसकी वजह से हमको डायरेक्ट आंखों में रिफ्लेक्ट होता है। अगर ये अगर हमको रिफ्लेक्ट नाइट में अगर चेंज करना है तो ये वाले बटन को अगर हम हल्का सा नीचे चेंज करेंगे तो हमारी आंखों में रिफ्लेक्ट नहीं होगा और हमें मिरर के अंदर पीछे की विंडो तो दिखेगी बट गाड़ियों की आने वाली लाइटें हमारे आंखों में नहीं गिरेगी और वो रिफ्लेक्ट कम। ये है एक चाइल्ड लॉक जो जिसको हमको यूज करना है की से, और ये करने से गाड़ी अंदर से नहीं खुलती है, ये अंदर से नहीं खुलेगी। मैं आपको एक बार अंदर से बैठ के दिखा देता हूँ, ये अंदर से अब नहीं खुलेगी, ये नहीं खुलेगी। तो एक फंक्शन है जो सनरूफ में हम सबको ऐसा फील करते हैं कि भाई इसको हमको हाथ से ऐसे खोलना पड़ रहा है, तो सनरूफ को ऐसे हैंड से खोलने की जरूरत नहीं है। इसमें एक फंक्शन है जो ऑटोमेटिक इसको ये खोल देता है। फिर जब बंद करना होता है तो ये हमको हैंडली इसको मैन्युअली बंद करना पड़ता है। एक और सनरूफ पे एक फंक्शन है जिसको प्रेस करने पर ये वाला फंक्शन खुलता है। एक बार ये दिखा दे, ये सर इसमें एक मून लाइट का है, मूड लाइट लैम्प इसका कैसे काम करता है वो आपको एक बार बता देता हूँ। तो उसके लिए हमको साउंड मूड लाइट लैम्प पे जाना होता है और यहाँ पे जाने के बाद
हम कोई भी मैनुअली कोई भी सिंगल कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। सिंगल कलर जब सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे आपको एक मूड लाइट लाइट दिखेगी ये, और जैसे कलर सेलेक्ट करेंगे चेंज होती रहेगी, ब्लू ग्रीन पिंक, ये ब्लू निश आ गई, ये ग्रीन टाइप की, पर्पल पर्पल टाइप की आ गई, ये रेड आ गई। तो ऐसे मैनुअली हम चेंज कर सकते हैं। एक इसमें कलर आता है पार्टी कलर, पार्टी जो जैसे कि हम पार्टी टाइम क्लिक करेंगे तो ये ऐसे ब्लिंक करती रहेगी पार्टी, जैसे वो डिस्को में जैसी लाइट होती है वैसी ये नाइट में इतना मस्त इसका व्यू रहता है। एक इसमें फंक्शन है, अगर हमको म्यूजिक के साथ क्लिक करना है तो यहाँ पे एक ऑप्शन है म्यूजिक का, अगर ये सेलेक्ट करते हैं म्यूजिक के तो जब भी हमारा म्यूजिक में बीट बजेगी तो बीट के साथ साथ ये लाइट चलती रहेगी। क्या सेल्टोस के किट में एक ये अपने को एक मिलता है, ये क्या चीज है मैं आपको बता देता हूँ। ये जनरली अपना ग्रिप है, फोन ग्रिप होता है, जब भी हम यहाँ पे इस डैशबोर्ड पे कुछ भी रखते हैं तो वो स्लिप हो जाता है। जब हम ये रख के इसके ऊपर ये जब फोन रखेंगे तो आप हाईवे पे ये फोन स्लिप नहीं होता है। तो ये किस चीज के लिए इसका एक यूटिलाइज है, और जनरली लोगों को लगता है कि ये यहाँ का कहीं का रखने के लिए कुछ चीज है, बाकी ये डैशबोर्ड के लिए मैट है। जब आप यूज करेंगे तब आपको पता चलेगा कि ये हाईवे पे जब चलेंगे, ऐसे ज्यादा गाड़ी खड्डों में चलेगी तो गिरेगा ही गिरेगा, बट इन केस आप हाईवे में हो तो, और ये स्लिप नहीं होगा, ये ऐसे का ऐसा ग्रिप में रहेगा फोन। जिनको लगता है कि मैं यूएसबी से इसमें वीडियो प्ले करना है तो आप वो फंक्शन सिर्फ पार्किंग मोड में ऑन रहेगा, जैसे कि आप हैंड ब्रेक लगा के रखते हैं तो यहाँ पे आप यूएसबी या यूएसबी प्लग करें। यूएसबी प्लग करने के बाद आपको यहाँ मेन्यू में डिवाइस कनेक्शन में जैसे आप जाओगे तो वहां पे आपको यूएसबी का ऑप्शन दिखेगा, और यूएसबी जैसे खोलोगे आपके वीडियोस प्ले होना शुरू हो जाएंगे। इसका किया सेल्टोस में एक फंक्शन है कि सीट को हम एडजस्ट कर सकते हैं, हाइट वाइज भी एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये क्या होता है कि कुछ कुछ चीज एकदम पैरेलल ऐसे बैठना है तो हम इसको सीट को नीचे कर देंगे, और किसी जिसकी हाइट कम है तो वो इसको ऊपर कर सकते हो। तो यहाँ पे एक फंक्शन है जो हैंडल, दो हैंडल है, एक तो है सीट वाइज बैक और पीछे का, तो उसके जस्ट आगे एक ऑप्शन है सीट का हैंडल है जो आपको प्रेस करना है। जैसे ऊपर करोगे तो ये सीट ऊपर होगी, और अगर डाउन करोगे तो ये सीट डाउन होगी, और इसकी हाइट एकदम बढ़ गई। जिनको हाइट में गाड़ी चलानी है, जिसकी हाइट कम है वो इस तरह से गाड़ी चला सकते, और जिनकी हाइट ज्यादा है वो इसको पुल डाउन करके एकदम लग्जरी सीट किसके साथ बैठ के। कार का ये जो रिमोट का जो होल्ड वाला बटन है इसको प्रेस करके रखना है, और आप 100 मीटर दूर से अपनी कार को स्टार्ट कर सकते हैं। इसका ये फंक्शन देने का कार का ये कंपनी का सबसे एक इसके पीछे का एक रीजन है कि जब कार कहीं धूप में खड़ी हो तो गाड़ी गर्म है और आपको अंदर जाना है तो बिफोर आप 5 मिनट पहले इस गाड़ी को दूर से चालू कर सकते हैं, और जब भी आपको अंदर बैठना है तो ये ऑटोमेटिक कार को कूल कर देती है। तो जैसे अभी मेरी एसी ऑन थी, सब कुछ सेटल था, तो इसमें क्या होता है गियर हैंड ब्रेक लगा के रखना है, फिर अब जब बाहर रहेंगे तो आप 100 मीटर दूर से ये बटन प्रेस करके रखेंगे तो गाड़ी ऑन हो गई। चलो एक बार देख लेते हैं ऑन होती है कि नहीं होती। कार स्टार्ट हो गई। इसमें एक मैंने कार लॉक नहीं कर रखी थी, कार लॉक होना बहुत जरूरी है, और ये एसी चालू हो गई, गाड़ी हैंड ब्रेक पे है, गाड़ी लॉक है, कार आपकी स्टार्ट हो गई, अब ये अपने आप अंदर का टेम्परेचर को कूल कर देगी।